Hello everyone, good morning. I am Shell, your educator on CSI Net platform. तो आप लोग कैसे हैं और इतनी सुबह सुबह क्लास करने के लिए आने के लिए बहुत सारा थैंक यू. आज हम पढ़ेंगे फाइलोजेनेटिक ट्री. उससे पहले बता दीजिए क्या मैं दिख रही हूँ. एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल? आप लोग आ जाइए जल्दी जल्दी, तो फिर हम शुरू करेंगे. 30 मिनट्स की क्लास है ये. बस मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूंगी फाइलोजेनेटिक ट्री का, ताकि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया आ जाए, क्योंकि ये चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. हर साल फाइलोजेनेटिक ट्री के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है. ये टॉपिक ईजी है अगर देखा जाए तो, थोड़ा प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाता है. तो प्रैक्टिस करने के लिए पहले कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है. तो आज 30 मिनट्स में मैं जितना कॉन्सेप्ट दे पाऊंगी मैं उतना कोशिश करूंगी. उसके बाद आप और थोड़ा डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो सीधे आज की क्लास के बाद ही आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. लास्ट ईयर क्वेश्चंस के सॉल्व कर लीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए. और आज जो भी मैंने कॉन्सेप्ट लिया है वो पाथफाइंडर से लिया है और कुछ पीडीएफ से लिए हैं, और प्रेस्कॉट में भी है इसके रिलेटेड. तो इन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं. पाथफाइंडर में अच्छा दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं. मेन है प्रैक्टिस, इसमें पढ़ने से ज़्यादा है प्रैक्टिस. आपकी नॉलेज तो होनी ही चाहिए, प्लस प्रैक्टिस होनी भी बहुत ज़रूरी है, तो आप इसे एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं. क्या मैं विजिबल हूँ? यस प्रिंसो, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग. ओके, तो फिर मैं विजिबल हूँ. मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मतलब बोल सकते हैं कि इस पार्ट सी में इससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है हर साल. ये एक समझ लीजिए कस्टम है कि हर साल एक क्वेश्चन आएगा ही, एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं. अभी 2020 में आए थे, 2019 में आया था, हर बार इससे क्वेश्चन आता है. आपको फाइलोजेनेटिक ट्री दिया जाएगा, आपको पहचानने के लिए दिया जाएगा कि एंसेस्टर कौन सा कॉमन है, रिलेशनशिप क्या है, कुछ भी, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं. तो अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे, समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा काफ़ी. ओके ओके प्रिंसू, लेट्स बिगिन द टॉपिक. उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि मेरे या और भी एजुकेटर्स के वीडियोस जो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें. और हर वेडनेसडे को अभी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप एनरोल कर सकते हैं आसानी से. आप अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. सब्सक्रिप्शन दो तरह का हो सकता है, प्लस और आइकॉनिक. प्लस में आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होंगे, सारे सिलेबस को अच्छे से वर्ड बाय वर्ड कवर किया जाएगा, प्लस नोट्स के पीडीएफ मिलेंगे और लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस होंगे. आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा. इन सब के अलावा एक पर्सनल कोच होगा जो आपकी 24/7 डाउट क्लियर करने के लिए अवेलेबल हो सकता है. और आप अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे सीएसआई नेट में. ये हैं और भी बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म पे. और अनअकैडमी एक्सेलरेट फिजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, आप एक बार अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे. देन ये भी कुछ ऑप्शंस हैं और ये प्लान है. आप अगर 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो आप या तो कोड सीएसआई नेट यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के टाइम पे, और मेरा कोड है शेल K10. आप इसको अगर यूज़ करेंगे तो अनअकैडमी ऐप को आप अनलॉक कर पाएंगे और उसमें स्पेशल फ्री क्लासेस अटेंड कर पाएंगे. और उसके बाद अगर आपको बाई करना है प्लस सब्सक्रिप्शन, तो भी आप अगर ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. ये 1 मंथ का चार्ज है, 3 मंथ्स का, 24 मंथ्स का 20,000. और EMI भी अवेलेबल है ऑप्शंस में. अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपको कैसा लग रहा है तो आप 1 मंथ का ले सकते हैं. नहीं, आप अगर 6 मंथ्स के लिए सीरियस है तो आप ये 11,000 का ले सकते हैं और EMI में पेमेंट कर सकते हैं. 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, या तो ये कोड यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा. चलिए अब शुरू करते हैं. फाइलोजेनेटिक्स, द वर्ड फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है हिस्ट्री. कैसी हिस्ट्री? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. उससे पहले तो जानना होगा इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है. ये वर्ड बहुत यूज होता है, इसका मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है वेरी स्लो
एंड ग्रेजुअल चेंज विच लीड्स टू बेटर सर्वाइवल. जो भी चीज़ बेटरमेंट के लिए चेंजेस आती है किसी ऑर्गेनिज्म में और वो बहुत स्लोली और धीरे धीरे आती हैं, हम उसको इवोल्यूशन कहते हैं. तो इवोल्यूशन अगर होता है किसी ऑर्गेनिज्म का तो वो बहुत धीरे से चेंज आता है उस ऑर्गेनिज्म में और वो उसे चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ सर्वाइव करने में ज़्यादा हेल्प करता है, उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं. तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का जानना चाहें, जैसे कि ह्यूमन बींग्स का अगर जानना चाहें, ह्यूमन बींग्स के डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, उनका कौन है, या आप बोलते हैं ना कि ह्यूमन बींग्स एंड मंकीज आर रिलेटेड, तो ऐसा कौन सा एंसेस्टर है जो कि हमारा कॉमन में था, फिर उसका कौन था, ये सब जानने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक्स. मतलब हम अपने पूर्वजों को जानने की कोशिश करते हैं कि हम जो बेटर हो के आए हैं, हम जो स्लोली और ग्रेजुअली चेंज हो के आया है हमारी बॉडी में, तो हमारा बेस क्या था, फिर उस बेस से कितने और निकले, मतलब हमारे और भी बोल सकते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कौन है, या किसी ऑर्गेनिज्म का और पैरेलल ब्रदर्स सिस्टर्स कौन है, फिर वो कितना डिफरेंट है उससे, कितना सिमिलर है, ये सब देखा जाता है फाइलोजेनेटिक में. तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फाइलोजेनेटिक बोलते हैं. और ये हिस्ट्री आएगा कैसे, दिस विल बी डन बाय मॉलिक्यूलर एनालिसिस. मतलब हम डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड्स को कंपेयर करेंगे और उसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या वो दो ऑर्गेनिज्म सेम एंसेस्टर से आए होंगे या अलग एंसेस्टर से आए होंगे या ये आगे जाके क्या बनेंगे, ये सब डिसाइड हो जाएगा मॉलिक्यूलर एनालिसिस. ठीक है, तो यहाँ पर फाइलोजेनेटिक्स में हम मॉलिक्यूलर एनालिसिस को ध्यान देते हैं. ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक्स में अगर मॉलिक्यूलर एनालिसिस को ध्यान देते हैं तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ. आपने दो वर्ड्स पढ़े होंगे क्लास 12 में, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स. हम टैक्सोनॉमी में क्या करते थे, ICN, आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर. हम किसी ऑर्गेनिज्म को पहले देखते थे कि वो क्या है, उसको आइडेंटिफाई करते थे, उसके बाद उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करते थे, मतलब उसके कैरेक्टर्स को पहले चेक करते थे और हम उस कैरेक्टर्स को किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ में या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स के साथ में मैच करने की कोशिश करते थे. अगर सेम होता था उस ग्रुप में डाल देते थे, नया होता था किसी और ग्रुप में डाल देते थे, फिर उसका नाम देने की कोशिश करते थे. ये था टैक्सोनॉमी. लेकिन सिस्टमैटिक्स में क्या होता है, सिस्टमैटिक्स में आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर करने के अलावा उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखा जाता है. मतलब एक ऑर्गेनिज्म अगर है तो पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है, फिर उसके कैरेक्टर्स को चेक करना है, फिर चेक करना है वो किस ग्रुप में बिलोंग करता है, फिर उसका नोमेनक्लेचर करना है और नोमेनक्लेचर करने के बाद में उसमें देखना है कि वो उसका एंसेस्टर कौन है, वो कहाँ से आया है, उसके जैसे और कौन से ऑर्गेनिज्म से, ये सब चेक करना है सिस्टमैटिक्स में. तो ये एक प्रिमिटिव आइडिया था और यही सिस्टमैटिक्स से फाइलोजेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट आ सकता है, क्योंकि सिस्टमैटिक्स में हम इवोल्यूशन को यूज़ करते हैं, वैसे फाइलोजेनेटिक्स में भी हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखते हैं, लेकिन फाइलोजेनेटिक्स को में हम मॉलिकुलर मेथड्स को यूज़ करते हैं. यहाँ पर देखिए, इन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर करने के लिए हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, कैसा दिख रहा है, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स को चूज करके हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं. लेकिन सिस्टमैटिक्स में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स को देखा जाता है. मतलब उसका एंसेस्टर क्या था, अगर एंसेस्टर सेम है तो एक ग्रुप में रख देते थे, एंसेस्टर डिफरेंट है तो अलग ग्रुप में रख देते थे. तो इस तरह से सिस्टमैटिक्स को में इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स को देखा जाता है. तो फाइलोजेनेटिक्स क्या है, फाइलोजेनेटिक्स को हम क्लैडिस्टिक्स भी कहते हैं. इट इज़ द साइंस ऑफ एस्टिमेटिंग इवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस, दो ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस देखा जाता है. और इसमें सबसे पहले क्या यूज किया जाता है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म. ठीक है, अच्छा, तो फाइलोजेनेटिक ट्री जो है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें लाइंस होते हैं, ये लाइन है और नोड है. और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, ये ऑर्गेनिजम्स हैं, या आप कह सकते हो कि ये जो टर्मिनल में ये जो ABCD लिखा है, दे आर टैक्सा, आप कह सकते हो, या टैक्सोन, ये टैक्सा है या टैक्सोन है, मतलब ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ये स्पीशीज हो सकते हैं,
और ये कुछ भी हो सकते हैं, स्पीशीज आप बोल सकते हो, नहीं तो रुकिए एक सेकेंड, टैक्सोन का मैं आपको डेफिनेशन दिखाती हूँ। हाँ देखिए, ये टैक्सोन जो हो सकते हैं, ये पॉपुलेशन हो सकते हैं, जिनेरा, फैमिली, ऑर्डर, फाइला, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो है ABCD, ये स्पीशीज हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग रखा है, ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए सिंपांजी रखा है, सिंपांजी, या यहाँ पे समझ लीजिए हमने रखा है आर्थ्रोपोडा, यहाँ पे रखा है मोलस्का, ठीक है, या तो यहाँ पे रख सकते हैं आप वर्टिब्रेटा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लीजिए इनवर्टिब्रेट रखा है। तो आप कुछ भी, ABCD की जगह पे कुछ भी आ सकता है, स्पीशीज आ सकता है, पॉपुलेशन आ सकता है, देन फाइला आ सकता है, क्लास आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये जो टर्मिनल है यहाँ पे, ये जो है इन्हें कहा जाता है टैक्सा या टैक्सॉन, ठीक है। फिर उसके बाद ये फाइलोजेनेटिक ट्री में, ये ट्री के फॉर्म में रहने से हमें फायदा क्या हो रहा है, या ट्री का मतलब क्या होता है, ट्री का क्या होता है, एक रूट होता है फिर ब्रांचिंग होते हैं, वैसे ही हम रूट को एंसेस्टर समझ सकते हैं, फिर उसमें से जितने ब्रांचेस निकले वो ब्रांचेस उस एंसेस्टर से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो इवॉल्व करके अलग अलग जगह पे चले गए हैं, हम उनको इमेजिन कर सकते हैं। फिर ये देख सकते हैं कि क्या ऐसा हुआ कि समझ लीजिए ये एक एंसेस्टर है, इसमें से एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पहले बाहर आया, उस ग्रुप में से कुछ ग्रुप समझ लीजिए थोड़ा सा अलग हो गए, फिर एक पूरा ग्रुप अलग हुआ, मतलब समझ लीजिए ये दोनों ग्रुप में ज्यादा सिमिलैरिटी होगा क्योंकि वो एक साथ ही बाहर निकले थे, फिर जाके डाइवर्ज हो गए थे, लेकिन यहाँ से जो निकला है वो अलग है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक ट्री में जिस तरह से रूट होता है और ब्रांचेस होते हैं, उसी तरह से अगर हम सारे ऑर्गेनिजम्स को चेक करेंगे, जिन्हें हमें जिनका हमें हिस्ट्री चेक करना है, रूट हम ले लेंगे उनका एंसेस्टर और ब्रांचेस ले लेंगे कि उससे कितने ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं, कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं गए। तो इसके लिए फाइलोजेनेटिक, जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए ट्री फॉर्म यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये एक ट्री फॉर्म है, देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा रूट, ट्री का रूट है, ठीक है, या कह सकते हैं ये ट्री का रूट है, मतलब ये कॉमन एंसेस्टर है। अब इसमें से देखिए एक एक ऑर्गे टैक्सा बाहर चला गया पहले, फिर दूसरा टैक्सा यहाँ आया, फिर वो यहाँ चला गया और यहाँ आ गया, फिर यहाँ आके फिर दो ग्रुप में डिवाइड हो गया। तो इस तरह से ये एक कॉमन एंसेस्टर था जिसमें से इतने सारे ब्रांचेस बाहर आए हैं, और ये ब्रांचेस का मतलब है यहाँ पे टैक्सा है, टैक्सा मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया एक ट्री। इस ट्री के हिसाब से, इस ट्री को यूज़ करके हम ये जान सकते हैं कि ABCD का एंसेस्टर कॉमन है या नहीं, क्या ABCD एक दूसरे से बहुत रिलेटेड हैं या कम रिलेटेड हैं, या इनका कॉमन एंसेस्टर, इमीडिएट कॉमन एंसेस्टर कौन सा है। जैसे कि देखिए ए और बी का इमीडिएट कॉमन एंसेस्टर ये हुआ, फिर ए बी सी का इमीडिएट कॉमन एंसेस्टर ये हुआ, ए बी सी डी का ये हुआ। अच्छा, मुझे आप एक बात बता सकते हैं कि क्या डी और सी ज़्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से, ज़्यादा सिमिलर है, या डी और ए सिमिलर है, मतलब डी एंड सी सिमिलर है या डी एंड ए सिमिलर है, ये कोई बोल सकता है, ये कोई बोल सकता है कि डी और ए सिमिलर है या बी और ए सिमिलर। फिर ये वर्ड्स का मीनिंग हम देखेंगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। पहले मुझे बताइए क्या डी एंड सी सिमिलर है या डी एंड ए सिमिलर है ज़्यादा, मतलब क्या डी और ए ज़्यादा क्लोज है या डी और सी ज़्यादा क्लोज है, या ऐसा बोल सकते हैं क्या कि डी और सी ज़्यादा क्लोज है और डी और ए बहुत दूर दूर है, डिस्टेंट है, मतलब इनके कैरेक्टर्स, न्यूक्लिक एसिड का जो सीक्वेंस है, डीएनए का जो सीक्वेंस है, ऐसा बोल सकते हैं क्या कि डी और सी का सेम है और डी और ए का बहुत डिफरेंट है, ऐसा बोल सकते हैं क्या, कोई बता सकता है इसका आंसर, क्या ऐसा बोल सकते हैं, क्या ऐसा बोला जा सकता है। नहीं, यहाँ पे देखिए डी सी बी ए ये सब सब सेम है, क्योंकि देखिए ये सब यहाँ समझ लीजिए, ये हमारा एंसेस्टर था, ये इसमें डिवाइड हुआ, फिर इसमें डिवाइड हुआ, तो ये दोनों तो सेम हो गए, फिर ये इसमें और इसमें डिवाइड हुआ, फिर यहाँ पे ये और ये डिवाइड हुआ, तो ये चारों के चारों सेम है, सबके न्यूक्लिक एसिड्स लगभग सेम होंगे और इनका एक कॉमन एंसेस्टर है। तो फाइलोजेनेटिक ट्री को यूज़ करके हम ये बहुत आसानी से देख सकते हैं कि कितना रिलेटेड है। नहीं बेटा, सुफल DNC ज़्यादा क्लोज नहीं होगा, क्योंकि देखिए एंसेस्टर एक है, ये देखिए ये एक ब्रांच हुआ, ठीक है, ये दूसरा ब्रांच हुआ, अब यही ब्रांच फिर तुरंत इसमें और इसमें डिवाइड हो रहा है, ये जो है वही तो ये भी है,
फिर ना इसके इस बेस से फिर ये सब निकले हैं, तो ये दोनों तो सेम था, बेस तो दोनों का सेम था, तो ये चारों सेम है, ठीक है, यही आपको समझना होगा। नहीं नहीं प्रिंसु नहीं, यही आपको समझना होगा और ये धीरे धीरे आप सीखेंगे। डी सी बी ए एक ही है, एक ही जैसे हैं, सिमिलर हैं, ऐसा नहीं है कि डी और सी ज़्यादा क्लोज हैं और डी और ए डिफरेंट हो गए, क्योंकि देखिए ब्रांच जो था उसका बेस एक ही था। धीरे धीरे आप समझ में आएगा, ये पहली बार देख रहे हैं, फिर जब प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा तो समझ में आएगा। उससे पहले ये ट्री में, पहले तो ट्री का इंपॉर्टेंस समझ गए, अब देखते हैं ट्री के डिफरेंट कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। तो इसको कहा जाता है ब्रांच, और ये जो पॉइंट्स हैं इसको कहा जाता है नोड। जिस तरह से एक पेड़ होता है तो जहाँ पे नोड होता है वहाँ से एक लीफ निकलता है कि नहीं, ये क्या है, नोड है, यहाँ से ब्रांच निकलता है। ये ट्री जब होता है तो उसका ये देखिए, ये एक नोड होता है, यहाँ से एक ब्रांच निकलता है, फिर यहाँ पे लीव्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये है नोड, ठीक है, ये है नोड, ये हो गया समझ लीजिए इंटरनोड। वैसे ही देखिए यहाँ पे ये नोड है, ये हो गया हमारा रूट, ठीक है, ये हो गए ब्रांचेस, और ये सारे नोड्स हैं, ये दोनों ए बी सी डी, ये सारे नोड हैं। ये दोनों को इंटरनल नोड कहा जाता है और ए बी सी डी को एक्सटर्नल नोड कहा जाता है। तो ए बी सी डी क्या है, टैक्सा, मतलब जैसे कि ये समझ लीजिए मैमल है, ये समझ लीजिए रेप्टाइल है, ये बर्ड है, और वो है समझ लीजिए फिश। तो क्या हो गया, टैक्सा में हम कुछ भी रख सकते हैं, इसको टैक्सा कहा जाता है, ये टर्मिनल को टैक्सा कहा जाता है, हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, टैक्सा या टैक्सोन, टैक्सोन हो गया सिंगुलर। ओके आगे बढ़ते हैं, लाइंस एंड नोड्स, नोड्स कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, द डिफरेंट सीक्वेंसेस आर कंपेयर्ड, अच्छा द डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए विच आर कंपेयर्ड आर लोकेटेड एट एक्सटर्नल नोड्स बट आर कनेक्टेड बाय ब्रांचेस बट रिप्रेजेंट एंसेस्टर फॉर्म्स ऑफ टू और मोर नोड्स। देखिए यहाँ पे ये एक्सटर्नल नोड है, ये एक्सटर्नल नोड है, इन दोनों का डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है, ये है इंटरनल नोड। वैसे ये और ये और ये, इसका डायरेक्ट एंसेस्टर ये वाला इंटरनल नोड है। तो इंटरनल नोड जो है वो एंसेस्टर के बारे में बताता है, और एक्सटर्नल नोड को हम कनेक्ट करते हैं और ये चेक करते हैं कि वो किस इंटरनल नोड से लगा है, और फिर उस इंटरनल नोड को हम देखते हैं कि वो किसका एंसेस्टर है, ठीक है। राघव गुड मॉर्निंग, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए उसके बाद हर ब्रांच क्या डिफाइन करता है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ये इसकी लेंथ जो है ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दिखाता है, और उसके बाद ये जो लेंथ है ये डिग्री ऑफ डिफरेंस भी बताता है। मतलब देखिए यहाँ पर डी और सी में ये इसका लेंथ ज़्यादा है, इसका लेंथ थोड़ा सा कम है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है इसके लेंथ में वो डिफरेंस बता रहा है डी और सी में कितना डिफरेंस है न्यूक्लिक एसिड का। फिर वही सी और बी में थोड़ा सा लेंथ में डिफरेंस है, तो सी और बी के न्यूक्लिक एसिड्स कितने अलग हैं एक दूसरे से इससे पता चल जाता है। वैसे ही ए जो है और बी जो है पता चल जाएगा लेंथ ऑफ ब्रांच से, लेकिन ये बात याद रखिए डी जो है वो ना ही, डी जो है, सी जो है, बी है और ए है, इन चारों में सभी एक दूसरे के साथ में, मतलब ऐसा नहीं है कि डी और सी ज़्यादा क्लोज है और डी और ए ज़्यादा डिस्टेंट, ऐसा नहीं है। डी और सी में जितना सिमिलैरिटी है उतना ही डी और ए में भी सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी का मतलब ये नहीं है कि 100% डीएनए मैच कर जाएगा, कुछ ना कुछ डिफर करेगा, लेकिन जितना मैच करेगा उस बेसिस पे हम देखेंगे कि उसका उसका कौन कितना कौन एंसेस्टर है। ये बेटा सब, ये सब पाथफाइंडर्स है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, ये देखिए और एक फाइलोजेनेटिक ट्री है, ये रूट है, ये देखिए इंटरनल नोड है, ये एक्सटर्नल नोड है, ये टैक्सा है या टैक्सॉन, ये हो गया हमारा ब्रांच। अब जो ट्रीज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, रूटेड एंड अनरूटेड। देखो ये रूटेड है, ये अनरूटेड है। यहाँ पे देखो ये रूट है इसका, इससे निकला है ये तीनों, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रूट नहीं है, मतलब ए और बी निकला है और सी और डी, ये चार टैक्सॉन है, ठीक है। तो रूटेड में क्या होता है, ए रूटेड ट्री शोज अ कॉमन एंसेस्टर, यहाँ पे ये कॉमन एंसेस्टर है और ये डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन है, मतलब सी जो है वो पहले बाहर चला गया, बी और ए बाद बाहर निकला, फिर ये वाला पॉइंट से बी और ए बाहर निकले, ठीक है। उसी तरह से अ रूटेड ट्री इन विच एवरी नोड हैज टू डिसेंडेंट इज कॉल्ड अ बाइनरी ट्री। मतलब देखिए जैसे कि ये एक रूटेड ट्री है, समझ लीजिए ऐसा है, बाइनरी ट्री किसको कहते हैं, ये देखिए ये है बाइनरी ट्री, ये एक बाइनरी ट्री है,
जो रूटेड ट्री है उसका एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं बाइनरी। देखिए यहाँ पर हमें एंसेस्टर कौन है पता ही नहीं चल रहा है, ये हो गया अनरूटेड। यहाँ पे एंसेस्टर कौन है पता चल गया, तो ये हो गया रूटेड। अब रूटेड ट्री में भी एक टाइप होता है बाइनरी ट्री, ठीक है राघव? तो रूटेड ट्री जो है उसमें देखिए वो एक टाइप का होता है बाइनरी ट्री जिसको कहते हैं, जिसमें कि हर दो टैक्सोन का एक एक रूट है। देखिए ये रूट है, ये इसमें से दो निकले, इस रूट से फिर दो निकले, फिर इस रूट से दो निकले, इस रूट से दो निकले, यहाँ पर सिमिलरली इस रूट से दो निकले, इस रूट से दो निकले, वैसे इस रूट से दो निकले, ऐसा रूटेड ट्री को बाइनरी रूटेड ट्री कहा जाता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आगे का बात। जो रूटेड ट्रीज होते हैं वो आप कह सकते हो तीन तरह का, उसमें उसके तीन वैरायटी हैं, यानी कि जो रूटेड ट्री होता है, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे एक रूटेड ट्री मैंने ड्रॉ किया, ये हो गया इनका रूट, ठीक है। तो ये रूटेड ट्री के जो टैक्सोन है, ये जो टैक्सोन है, इन टैक्सोन को हम थ्री वेज में ग्रुप कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए ये एक टैक्सोन हुआ, ये एक टैक्सोन हुआ, ये एक टैक्सोन हुआ, वैसे यहाँ पे भी तीन टैक्सोन है। इन टैक्सोन को तीन तरह से ग्रुप किया जा सकता है या इनको तीन तरह से एनालाइज किया जा सकता है। क्या है उनका एनालिसिस? मोनोफाइलेटिक टैक्सोन, पैराफाइलेटिक टैक्सोन एंड पॉलीफाइलेटिक टैक्सोन। मतलब क्या है? सबसे पहले तो मोनोफाइलेटिक टैक्सोन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक रूट है हमारा, ठीक है, इस रूट से ये निकला, फिर यहाँ एक रूट है, ये एक्स निकला, उसके बाद इस रूट से फिर यहाँ एक रूट है, यहाँ से फिर दो ब्रांच निकले, फिर ये एक रूट है, फिर यहाँ पे एक रूट है, और ये सारे टैक्सोन है। कौन कौन? एक्स, सी, ए, जेड, वाई। जब किसी ट्री में हम एक जो टैक्सोन है उनको उनका एक कॉमन डिसेंडेंट और सॉरी उनका एक कॉमन एंसेस्टर और उस एंसेस्टर से जितने भी डिसेंडेंट्स निकले, ये सारे डिसेंडेंट्स है ना, डिसेंडेंट मतलब क्या होता है, जो निकलता है, जो जनरेशन, आगे का जनरेशन को डिसेंडेंट कहा जाता है, पूर्वज को एंसेस्टर कहा जाता है। तो जिस ट्री में हम उनके एक टैक्सा में एक उनके कॉमन एंसेस्टर और उस कॉमन एंसेस्टर से जितने भी डिसेंडेंट्स निकले हैं अगर उन सबको एक साथ स्टडी करते हैं तब उसे कहा जाता है मोनोफाइलेटिक। मोनोफाइलेटिक देखिए यहाँ पे अगर ये इन सबको हमने पकड़ा और इसका कॉमन एंसेस्टर को भी पकड़ा तब वो मोनोफाइलेटिक है। लेकिन अगर यही समझ लीजिए मैं सिर्फ सी ए जेड वाई को पकड़ती और इस एंसेस्टर को नहीं पकड़ती तब ये मोनोफाइलेटिक नहीं होता। तो हमने यहाँ पर ये सबको पकड़ा और एंसेस्टर को भी पकड़ा तब उसे मोनोफाइलेटिक कहते हैं। इसको समझने के लिए एक कॉमन एग्जाम्पल हम ले सकते हैं और देखते हैं, जैसे कि देखिए समझ लीजिए कि ये एक एंसेस्टर था, इसमें से एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बाहर आया, उसमें से एक ग्रुप है जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो अपना बाहर चला गया। अब उसमें से एक और ग्रुप बाहर निकल के आया, अब वो जो है उसने रिलेटेड लगभग रिलेटेड सारे ऑर्गेनिजम्स को दिया, ये सारे रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, ये न्यू वर्ल्ड मंकी है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी, ये समझ लीजिए ह्यूमन बींग है। मतलब हमारा ह्यूमन बींग्स का और मंकीज का बहुत सारा सिमिलैरिटीज है, तो ऐसा कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स और मंकीज का एक कॉमन एंसेस्टर है। ये कॉमन एंसेस्टर फिर किसी एंसेस्टर से आया होगा, लेकिन उस एंसेस्टर से समझ लीजिए ये सिंपांजी है, वो अलग हो गया। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ एक ऐसा रूट जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म पूरा ही अलग है, वो अलग हो गया, लेकिन उससे एक एंसेस्टर निकला और उसने बहुत सारे रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को गिव राइज किया, जैसे कि हम हो गए, ये समझ लीजिए ये लेमूर है, ये लेमूर है, तो ये समझ लीजिए लेमूर है, और ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी, ये ह्यूमन बींग है, और ये समझ लीजिए सिंपांजी है। तो ऐसा एक एंसेस्टर था जो कि एक ऐसे ग्रुप में डिवाइड हो गया जिसने दो ग्रुप दिए, एक ग्रुप पूरा ही अलग है, लेमूर हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते, ऐसे नहीं है, जिनके आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, बॉडी छोटा होता है, लंबा पूंछ होता है, जो पेड़ पर रहते हैं थोड़ा पोलर एरिया में, उस टाइप का। तो ये लेमूर हो गए, लेमूर, टार्सियर, वो सब एक ही ग्रुप के हैं। तो समझ लीजिए कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पूरा अलग हो गया, लेकिन उनका और हमारा एंसेस्टर एक ही था, लेकिन वो हमसे बहुत अलग है, इसलिए वो अलग
कैरेक्टर्स के बेसिस पे या न्यूक्लिक एसिड का जो कंपोजिशन है उस बेसिस पे वो हमसे पूरे अलग है, तो वो अपना अकेले चले गए बाहर। अब वो अकेले जाने के बाद में एक ग्रुप रह गया जिसको हम अपना हमारा कॉमन एंसेस्टर कहते हैं। ये कॉमन एंसेस्टर से फिर चार तरह के ऑर्गेनिजम्स निकले और ये चारों में बहुत सारा सिमिलैरिटी है, जैसे कि मंकी हो गया, सिंपांजी हो गया, हम हो गए। तो इस तरह से अगर हम सब के ग्रुप, मतलब मंकी, सिंपांजी, हम सब के ग्रुप और हमारा जो एंसेस्टर है, इन सबको अगर एक ग्रुप में हम स्टडी करेंगे तब उसे कहा जाएगा मोनोफाइलेटिक टैक्सा। आया समझ में? जान में समझाने में सक्सेसफुल हुई, समझ में आया? इसे या तो मोनोफाइलेटिक टैक्सा कहते हैं, नहीं तो इसको एक क्लैड भी कहते हैं। क्लैड मतलब हो गया ग्रुप। अगर फाइलोजेनेटिक ट्री में जो टैक्सा होते हैं उनको स्टडी करने के तीन तरीके हैं। मोनोफाइलेटिक में हम कॉमन एंसेस्टर के साथ में सारे रिलेटेड डिसेंडेंट्स को पढ़ते हैं एक साथ, या उनको एक साथ एक ग्रुप में रख देते हैं, तब उसे कहा जाता है मोनोफाइलेटिक। आया समझ में? आगे बढ़ूँ मैं? आया समझ में सबको? ओके, अब देखो पैराफाइलेटिक में क्या होता है, हम कॉमन एंसेस्टर जो है उसको नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं, तो हम सिर्फ डिसेंडेंट्स को लेते हैं। देखो यहाँ पे, ए ग्रुप कंपोज्ड ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग द मोस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स डज नॉट इंक्लूड ऑल द डिसेंडेंट्स। देखिए यहाँ पर ये पैराफाइलेटिक में क्या होता है, एक कॉमन एंसेस्टर तो पढ़ते हैं लेकिन उसके साथ में सारे के सारे हम डिसेंडेंट्स को नहीं पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ए को पढ़ा, जेड को और वाई को, इन तीनों को देखा खाली, लेकिन बी और जेड को हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो मोनोफाइलेटिक में एंसेस्टर प्लस ऑल द डिसेंडेंट्स वेर इंक्लूडेड। देखिए समझ लीजिए, ये एंसेस्टर है, इससे जितने भी डिसेंडेंट्स निकलेंगे ए बी सी डी वो मोनोफाइलेटिक होगा। लेकिन अगर इसी में ये एंसेस्टर है और ए बी सी डी निकला और हमने सिर्फ ए और डी को स्टडी किया, इसको छोड़ दिया, या ए और डी एक ग्रुप है सिमिलैरिटी के बेसिस पे और बी और सी थोड़े अलग हो गए, तब उसे कहा जाएगा पैराफाइलेटिक। पैरा मतलब होता है आसपास, तो आसपास की कुछ चीज़ों को हमने एक्सक्लूड कर दिया और कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर दिया। कैसे, इसका मीनिंग क्या हो सकता है, जैसे कि समझ लीजिए एंसेस्टर तो सेम था, अब उसमें से ये ऑर्गेनिजम्स बाहर आए, लेकिन इनमें भी ए सी और वाई जो है वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, तो इनको एक ग्रुप में रख दिया गया है। बी जेड एक्स थोड़ा सा दूर है इनसे, थोड़ा सा अलग है इनसे, तो ये अलग हो गए, इसको बोलते हैं पैरा, मतलब अगल बगल। समझ में आया? समझ में आया मैम? इसको एक बार और रिपीट करेंगे, इसको बेटा किसको, मोनोफाइलेटिक या पैराफाइलेटिक, किसको, या शुरू से? चलिए मैं शुरू से कर देती हूँ, लेकिन जल्दी आंसर कर दीजिए मुझे, शुरू से या यहाँ से खाली? सुफल बेटा कहाँ से रिपीट करूँ, कहाँ से? मोनोफाइलेटिक से मैं फिर से शुरू कर देती हूँ, फिर ये क्लैड पे आएंगे बाद में। देखिए ये जो यहाँ पे जो एंसेस्टर्स हम पढ़ रहे हैं, तो ये जो ट्री है, क्या हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कहाँ गया मेरा पेन, कहाँ चल रहा है, मुझे दिख ही नहीं रहा, हाँ दिखा। देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले तो एंसेस्टर मीनिंग, ओके, एंसेस्टर मीनिंग मतलब होता है पूर्वज, जैसे कि तुम और तुम्हारे भाई बहन क्या हो गए, हम ऐसे देखते हैं, तुम और तुम्हारे भाई बहन, समझ लीजिए प्रिंसू एक है, एक है समझ लीजिए प्रिंसी, एक है समझ लीजिए राधा, एक है समझ लीजिए कृष्णा, ये चार भाई बहन हैं, ठीक है, इन सब का एक एंसेस्टर होगा, वो एंसेस्टर कौन है, तुम्हारे पेरेंट्स। अब तुम्हारे पेरेंट्स का फॉर एग्जांपल एक एंसेस्टर हम पकड़ेंगे, तो ये क्या हुआ, पूर्वज, एंसेस्टर मतलब हो गया हमारा पूर्वज, और तुम लोग क्या हो, डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स मतलब आने वाले जनरेशन, मोनोफाइलेटिक, ओके मैं समझा रही हूँ। तो अब समझ में आया प्रिंसू एंसेस्टर मतलब क्या होता है, तो अगर समझ लीजिए तुम्हारे फैमिली का एक फाइलोजेनेटिक ट्री मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, तुम्हारे फैमिली प्रिंसू के फैमिली का फाइलोजेनेटिक ट्री निकालना है, मतलब मुझे ये देखना है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स, कौन से भाई बहन ज़्यादा कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, उनके न्यूक्लिक एसिड मतलब उनके डीएनए के सीक्वेंस को चेक किया जाएगा,
और उसके बाद हम बहुत सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स यूज़ करेंगे और उनके डीएनए का चेकिंग, सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी ये सब चेक करने के बाद एक ट्री तैयार किया जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि प्रिंसू और कृष्णा ये दोनों भाई का न्यूक्लिक एसिड बहुत ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि इनके एंसेस्टर कॉमन है, इनके पेरेंट्स. लेकिन उसी से ही, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए यहाँ पे उसका कजिन है और ये कजिन है. इस केस में कजिन्स का एंसेस्टर अलग है, तो यहाँ पर ये वाला कजिन और प्रिंसू का न्यूक्लिक एसिड थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन फिर भी उनके एंसेस्टर तो सेम थे. तो इस तरह से हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाएंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कहाँ से हम आए हैं, कोई ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर क्या है, क्योंकि हम इवोल्यूशन करके यहाँ तक पहुँचे. ठीक है, तो इसको हमारा जो ये जो लीनिएज है, लीनिएज मतलब क्या होता है, धरोहर, या बोल सकते हैं कि ये जो फैमिली जो चल रहा है, जैसे तुम लोगों का मैंने बात किया तो फैमिली चल रहा है, उसी तरह से समझ लेते हैं. फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, ये तो पता है आप लोगों को. जो हायर वर्टिब्रेट्स है ये पांच है, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स. ऐसा कहा जा सकता है कि रेप्टाइल से ही एव्स भी आए हैं और मैमल्स भी आए हैं, ऐसा बोला जा सकता है. तो यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर कौन हो गया, रेप्टाइल. तो ये सब हमें पता कैसे चला, यहाँ पे हमने डीएनए के सीक्वेंस को कंपेयर किया, जिसको कहा जाता है मॉलिक्युलर फाइलोजेनी. हम फाइलोजेनेटिक ट्री तो बना रहे हैं, लेकिन किस बेसिस पे बना रहे हैं, मॉलिक्युलर बेसिस पे. तो पहले तो डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंसेस को चेक किया जाएगा, उनमें सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी निकाला जाएगा, और उसके बाद उनमें कितना सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी है, उनका एंसेस्टर कौन है, ये पता करने के बाद. जैसे कि देखिए यहाँ पर मेरा पेन कहाँ चल रहा है, हाँ, जैसे समझ लीजिए प्रिंसू और राधा, सॉरी प्रिंसू और कृष्णा समझ लीजिए भाई थे. तो इनका न्यूक्लिक एसिड डीएनए इनके पेरेंट्स से ज़्यादा सिमिलर होगा, तो हम उसको एक कॉमन एंसेस्टर मानेंगे उसका. अब कोई और कजिन होगा उसका, इस इनके साथ में थोड़ा सिमिलर होगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसका, उसके कजिन का भाई का उसके भाई या उसकी बहन के साथ ज़्यादा सिमिलर होगा, क्योंकि उनके पेरेंट्स के साथ में ज़्यादा सिमिलर है, उसको एक एंसेस्टर मानेंगे. फिर हम देखेंगे कि ये दोनों एंसेस्टर में भी सिमिलैरिटी है, फिर इसको कनेक्ट कर देंगे क्योंकि इनका एक एंसेस्टर होगा. इस तरह से ट्री बनाया जाता है. ठीक है, अब यही ट्री जो है इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि नोड, इंटर नोड, ये हो गया हमारा इंटरनल नोड, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल नोड, ये हो गया ब्रांच और ये हो गया रूट. ये हो गया हमारा रूट, इस रूट से सब निकले हैं, देखिए सब निकले हैं. और ये जो एक्सटर्नल नोड है इसको कहा जाता है टैगजॉन, जिस तरह से हमने देखा था कृष्णा राधा, उसी तरह से हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम रख सकते हैं मैमल, बर्ड, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा, कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. इसलिए जो टर्मिनल होता है उसको टैगजॉन कहा जाता है. हो गया, ट्री का ये कॉमन था. ट्री दो तरह के हैं, रूटेड, अनरूटेड, फिर बाइनरी ट्री, ये सब मैंने बोल दिया. अब ये जो ट्री है इसी में ही जो टैगजॉन है उनके कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम उनको तीन तरह से स्टडी कर सकते हैं, या तीन तरह के हैं वो, मोनोफाइलेटिक टैगजॉन, डाई पैराफाइलेटिक एंड पॉलीफाइलेटिक. मोनोफाइलेटिक में क्या होता है, जैसे समझ लीजिए ये एक एंसेस्टर है, इससे निकला यहाँ एक ग्रुप, एक ए निकला समझ लीजिए, यहाँ पे मैमल निकला, ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए बर्ड निकला, फिर बर्ड में समझ लीजिए और दो ऑर्गेनिज्म निकले, तो ए बी, एम बी सी डी. मोनोफाइलेटिक में क्या होगा, इन सब का कॉमन एंसेस्टर कौन है, देखिए यहाँ पर ये बाहर आया, ये रूट है, ये एक एंसेस्टर है जिससे कि मैमल भी निकला और बर्ड भी निकला, फिर बर्ड से और दो निकले. तो इन सारे डिसेंडेंट्स जो हैं सी डी, सी डी और बी और एम का कॉमन एंसेस्टर कौन है, ये, इस एंसेस्टर से ये सारे डिसेंडेंट्स निकले. अगर मैं इस एंसेस्टर को एम बी सी डी सबको एक ग्रुप में रख के पढ़ूंगी, क्यों पढ़ूंगी, क्योंकि ये सारे सिमिलर हैं, इन सब में बहुत सिमिलैरिटी देखी गई है और वो सिमिलैरिटी इनके एंसेस्टर के साथ में भी है, तो अब इसको कहा जाएगा मोनोफाइलेटिक, क्योंकि ए सी और डी भी सिमिलर हैं एक दूसरे से, बहुत, बी से भी बहुत सिमिलर है, एम से भी सिमिलर है, और ये सब इसकी वजह से सिमिलर है, तब इसे कहा जाएगा मोनोफाइलेटिक. मोनोफाइलेटिक में क्या होता है, एक कॉमन एंसेस्टर जो होता है उसको भी एक ग्रुप में ही रखा जाता है, उसी ग्रुप में सारे डिसेंडेंट्स को भी रखा जाता है. अब समझ में आया, अब समझ में आया सुफल,
मतलब अगर एंसेस्टर्स को और उनके डिसेंडेंट्स को सेम कैटेगरी में रखेंगे, सेम ग्रुप में, उनके सिमिलैरिटी की वजह से जब उन्हें एक साथ पढ़ा जाएगा तब उसे कहा जाएगा मोनोफाइलेटिक। देखिए यहाँ एक्स सी ए जेड वाई ये सब एक जैसे हैं, इन सब में बहुत क्लोज सिमिलैरिटी है, तो दिस इज मोनोफाइलेटिक टैक्सोन। ठीक है, अब सुफल ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। पैराफाइलेटिक में क्या होगा, पैराफाइलेटिक में एंसेस्टर को नहीं देखा जा रहा है क्योंकि एंसेस्टर से ये एंसेस्टर है लेकिन इसे ए बी सी डी फॉर एग्जांपल आया है। ठीक है, ए बी सी डी आया है तो यहाँ पर हमने सिर्फ ए और सी को एक ग्रुप में रखा क्योंकि हमने ये देखा ए और सी सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, लेकिन ए और सी की जितनी क्लोजनेस है उतनी बी और डी से नहीं है और ना ही उनके एंसेस्टर से भी उतना, मतलब ये दोनों पूरा ही अलग हो गए कुछ कैरेक्टर्स की वजह से, तब इसे कहा जाएगा पैराफाइलेटिक। पैराफाइलेटिक में क्या होता है, सिर्फ एंसेस्टर्स को रखा जाता है कॉमन कैरेक्टर्स की वजह से और सिर्फ डिसेंडेंट्स को रखा जाता है कॉमन कैरेक्टर्स की वजह से और उनके एंसेस्टर को नहीं पकड़ा जाता, वो हो गया पैराफाइलेटिक। ठीक है, अब आता है पॉलीफाइलेटिक। पॉलीफाइलेटिक में क्या होता है कि यहाँ पर कॉमन एंसेस्टर देखते हैं लेकिन देखें यहाँ पर देखिए ये एक रूट है, मैं भी समझाती हूँ, ये रूट है, इससे क्या हुआ है, ये निकला है फिर यहाँ से ये ब्रांचेस निकले, लेकिन ये सी का एंसेस्टर कहाँ है, सी और ये अगर एक्स है ये वाई है वाई, ठीक है, सी और वाई का एंसेस्टर यहाँ है, बी और ए का एंसेस्टर कहाँ है, यहाँ है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एंसेस्टर भी देख रहे हैं और उससे डिसेंडेंट भी देख रहे हैं लेकिन ना तो सारे एंसेस्टर कॉमन एंसेस्टर देख रहे हैं और ना ही सारे डिसेंडेंट्स देख रहे हैं और ना ही ऐसा हो रहा है कि सिर्फ डिसेंडेंट देख रहे हैं, तो ये हो गया हमारा पॉलीफाइलेटिक। अगर यही मोनोफाइलेटिक होता तो हम किसको देखते हैं, इन सबको देखते हैं एक साथ, कॉमन एंसेस्टर प्लस ऑल द डिसेंडेंट्स, तब वो होता मोनो। पैरा में क्या होता, पैरा में सिर्फ सी और बी को देखते, उनके एंसेस्टर को नहीं देखते। पॉली में क्या होता है, एक या दो एंसेस्टर को देखते हैं और उसके डिसेंडेंट को देखते हैं, जैसे सी और बी को देखा और उसके एंसेस्टर को चेक किया, हो गया क्लियर हो गया। पॉलीफाइलेटिक जो है वो अननेचुरल है, यहाँ ये नेचर में मतलब इतना नहीं देखा जाता है, ये सिर्फ थियोरिटिकल है। तो मोनो में क्या होता है, कॉमन एंसेस्टर एंड ऑल डिसेंडेंट्स, ठीक है। पैरा में क्या होता है, ओनली डिसेंडेंट्स, ठीक है, और उनके एंसेस्टर्स नहीं, जैसे यहाँ के ओनली डिसेंडेंट्स, नो एंसेस्टर्स। पॉली में क्या होता है, ओनली फ्यू डिसेंडेंट्स, वो भी यहाँ पे भी फ्यू डिसेंडेंट्स विथ देयर एंसेस्टर, हो गया ठीक है। ठीक है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो इन सबको लिख लीजिए जल्दी से, मोनो क्या है, पैरा क्या है, पॉली क्या है, ठीक है। और मोनो फाइलेटिक में जो एक ग्रुप हम सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हमने कलेक्ट किया, ये इसको बोला जाता है क्लैड। क्लैड का मतलब होता है ग्रुप या एक फैमिली, ठीक है। आप समझ में आया, मोनो मतलब क्या है, कॉमन एंसेस्टर ऑल डिसेंडेंट्स, ठीक है, समझ में आया, प्लीज थम्स अप कर दीजिए। पैरा मतलब क्या है, ओनली फ्यू एंसेस्टर फ्यू डिसेंडेंट्स एंड नो कॉमन एंसेस्टर। पॉली क्या है, पॉली में फ्यू डिसेंडेंट्स एंड देयर एंसेस्टर, ठीक है। डिसेंडेंट बेटा हो गया, ओके सुफल थैंक यू, नो प्रॉब्लम, अभी तक समझ में आया सबको बेटा। डिसेंडेंट मतलब हो गया नेक्स्ट जनरेशन, जैसे कि तुम डिसेंडेंट हो, किसके डिसेंडेंट हो, अपने पेरेंट्स के, तुम्हारे पेरेंट्स हो गए तुम्हारे एंसेस्टर, तुम उनके डिसेंडेंट हो, तुम्हारे पेरेंट्स हो गए उनके पेरेंट्स के डिसेंडेंट, तुम उनके पेरेंट्स हो गए तुम्हारे पेरेंट्स के एंसेस्टर, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स तुम्हारे एंसेस्टर हैं और तुम उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट ना हो कि अपने पेरेंट के डायरेक्ट डिसेंडेंट हो। समझ में आया प्रिंसू, ठीक है, सबको समझ में आया, चलो ठीक है, थैंक यू। तो ये हो गया हमारा मोनो पैरा एंड पॉली।
अच्छा, अब फाइलोजेनेटिक ट्री बनता कैसे है? तो सिंपल, हम न्यूक्लिक एसिड्स को पहले चेक करते हैं, उनके सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस को, और इसके लिए कुछ मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि डिस्टेंस मैट्रिक्स मेथड, मैक्सिमम पार्सिमोनी मेथड एंड मैक्सिमम लाइकलीहुड मेथड, और फिर उसके बाद बहुत सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स यूज करते हैं और फिर ट्री को बनाते हैं। ये एक्चुअली एक ब्रांच है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, ठीक है? तो ज़्यादातर ये मैक्सिमम पार्सिमोनी मेथड को यूज़ करके क्वेश्चंस आता है। मैक्सिमम पार्सिमोनी एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या, और ये सारे मेथड्स बहुत डिफिकल्ट है, ना आपको ये मेथड पढ़ना है ना इसके बारे में क्वेश्चन आएगा, आपको बस फाइलोजेनेटिक ट्री आएगा, मैं अभी एक प्रैक्टिस करा दूंगी। तो मैक्सिमम पार्सिमोनी वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मैं इसको खाली बता देती हूँ। मैक्सिमम पार्सिमोनी ये एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम पार्सिमोनी मतलब सबसे ईजी तरीका क्या निकाला जा सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे ईजी वे। जैसे कि एक एग्जाम्पल होगा, मैंने नहीं लिया उस एग्जाम्पल को, मैं यहाँ बता देती हूँ। जैसे कि समझ लीजिए कि एक एंसेस्टर है, ठीक है, इससे समझ लीजिए यहाँ पे बर्ड्स बने हैं, फिर इससे बर्ड बने हैं, फिर इससे और एक ग्रुप बना है, फिर इससे एक ग्रुप बना है, ठीक है। ये एक बर्ड है, बर्ड का एंसेस्टर है। ये जो बर्ड्स हैं, इनके जो फेदर कलर है उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। ये शायद 2019 का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नहीं ली हूँ, मैं खाली बता देती हूँ कैसे यूज़ करते हैं इस मेथड को। समझ लीजिए कि ये पिंक कलर का, समझ लीजिए उनके रेड कलर का फेदर है और ब्लू कलर का फेदर है, फिर रेड कलर है, फिर ब्लू कलर का फेदर है, फिर ब्लू कलर का फेदर है, फिर ब्लू कलर का फेदर है, और इस ग्रुप का ब्लू कलर का फेदर है। समझ में आया? एक एंसेस्टर है और उसके बाद इतने सारे डिसेंडेंट्स हैं। ये एंसेस्टर फिर देखिए दो ग्रुप में डिवाइड हो गया, फिर इस ग्रुप से फिर दो बन गए, फिर यहाँ से और एक बाहर निकला, फिर दो बन गए, फिर यहाँ से बाहर निकला, फिर दो बन गए। अब यूजिंग मैक्सिमम पार्सिमोनी टेल द कलर ऑफ द फेदर ऑफ एंसेस्टर, क्वेश्चन में ये है कि एंसेस्टर के फेदर का कलर क्या होगा बाय द यूजिंग द मेथड ऑफ पार्सिमोनी। पार्सिमोनी मतलब सबसे ईजी तरीका क्या हो सकता है, सबसे शॉर्टेस्ट वे क्या हो सकता है आंसर निकालने का। तो यहाँ पर देखिए शॉर्टेस्ट वे क्या हो सकता है, देखिए ये जो एंसेस्टर है, कहाँ गया मेरा पेन, कहाँ चल रहा है, किसी को दिख रहा है मेरा पेन, हाँ दिखा, ये जो एंसेस्टर है इसने सबसे पहले एक ग्रुप बना दिया, एक ग्रुप बाहर निकला और उससे रेड और ब्लू निकला, फिर यहाँ पे एक खाली ब्लू निकला है। तो आपको क्या लगता है इस एंसेस्टर का ईजी वे या सबसे ईजी वे क्या सोचा जा सकता है कि ये एंसेस्टर ब्लू कलर का है? तो आंसर होगा कि एंसेस्टर का फेदर ब्लू कलर का है बाय यूजिंग ईजी पार्सिमोनी। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में लिया जाएगा बाय यूजिंग द मेथड ऑफ पार्सिमोनी फाइंड आउट द कलर या फाइंड आउट द कुछ भी एंसेस्टर के बारे में अगर पूछा जाएगा, तो तुम इसी तरह से चेक करना कि सबसे ईजी तरीका क्या है, ये सबसे शॉर्ट वे क्या है उस आंसर को करने के लिए। ये 2019 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी देखिए एक क्वेश्चन है, द फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ एमनियोड वर्टिब्रेट्स इज गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम। एमनियोड वर्टिब्रेट्स मतलब वो वर्टिब्रेट्स जिसमें कि एमनियन है। एमनियन क्या है? हमारा एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। जब हम डेवलप करते हैं तो हम जिस मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं, जो एम्ब्रियो जिस मेम्ब्रेन के अंदर रहता है उसको बोलते हैं एमनियन। तो यहाँ पर सारे एमनियोड्स हैं, मतलब ये सारे के सारे इनके एमनियन के अंदर में इनके एम्ब्रियो डेवलप करते हैं। तो देखिए एक कोई एंसेस्ट्रल एमनियोड है जो कि पहले रेप्टिलिया बना, उसके बाद ये सारे ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। एक को क्रोकोडाइल दिया गया है, लेकिन ए बी सी डी को हमें यहाँ पे से सर्च करना है। थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी। अब हमें बोला गया है कि ये ट्री को देख के आप गेस कीजिए इनमें से कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लगाना होगा कि फिश से फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स, ये चारों का दिमाग में रख के फिर उसके बाद यहाँ पे सोचिए। और उसके बाद यहाँ पे सारे जो ऑप्शन है उनको भी चेक कीजिए, क्या क्या है ऑप्शन, स्नेक, टर्टल, बर्ड, मैमल, खाली चार है, स्नेक, टर्टल, बर्ड, मैमल। इनमें से कौन कितना सिमिलर है एक दूसरे से, इसमें ज़्यादा सिमिलरिटी है, उस बेसिस पे आप यहाँ पे ब्रांचेज में ये जो ग्रुप्स टैग्जोन है उसमें इसको रख सकते हैं, इसको यूज़ कीजिए। थोड़ा सा दिमाग यूज़ कीजिए कि कौन सा आंसर हो सकता है। दो मिनट, एक मिनट के लिए मैं रुकती हूँ।
तब तक पानी पी लेती हूँ, आप क्वेश्चन को समझिए, भले आंसर मत ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैंने दो आपको हिंट दिया है। पहला हिंट क्या है इसको याद दिमाग में रखिए, फिर जो ऑप्शन है उनको दिमाग में रखिए, उसमें देखिए कौन ज्यादा सिमिलर है, उसके बेसिस पे यहाँ पे देखिए, जैसे कि क्रोकोडाइल और उसके बाद फिर ये बी है, तो ऑफ कोर्स जो क्रोकोडाइल से बहुत ज्यादा सेम होगा वही बी में आएगा। इन चारों में से ऐसा कौन है जो क्रोकोडाइल से बहुत सेम है, उसको बी में रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब ये बी में जो है वो क्रोकोडाइल और ये बी वाले सी में जो है वो क्रोकोडाइल और बी में से बी से बहुत सिमिलर होगा तभी वो सी में होगा, क्योंकि देखिए एंसेस्टर एक ही है। देखिए ए एंसेस्टर से फिर दो ग्रुप हुआ, फिर इस नोड से फिर देखिए दो ग्रुप हुआ, तो बी और क्रोकोडाइल में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होना चाहिए क्योंकि इनका एक जाके लास्ट में कॉमन एंसेस्टर है। अब उसके बाद सी जो होगा वो बी और क्रोकोडाइल से बहुत ज़्यादा सेम होगा क्योंकि उन सब का एंसेस्टर एक ही है। अब यहाँ पर ए और डी जो होगा, ए और सी, देखिए ए क्रोकोडाइल बी सी ये सब भी बहुत ज़्यादा सेम होना चाहिए क्योंकि ये रेप्टाइल्स आए हैं, और जो डी है वो इन सब से थोड़ा अलग होगा क्योंकि जो रेप्टाइल से पहले ही वो डिवाइड हो गया है, तो डी सबसे अलग होगा इस ग्रुप से, डी सबसे अलग होगा, लेकिन ए बी और सी में थोड़ा सिमिलैरिटीज होगा, तो इनके कैरेक्टर्स को थोड़ा सा इमेजिन कीजिए और फिर सोचिए कौन से ग्रुप में कौन होगा। नंबर टू इज द आंसर, नंबर वन इज द आंसर। ठीक है, चलो पहले आप देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैंने बोला कि डी बहुत ही अलग होगा, डी इतना अलग होगा इन सबसे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि एंसेस्टर भी पहले रेप्टाइल बनाया फिर कुछ और बनाया, तो ऑफ कोर्स इन चारों में सबसे अलग कौन है, मैमल है, तो डी होगा हमेशा मैमल। इतना क्लियर हो गया, लेकिन इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, सिर्फ इतना ही हुआ कि नंबर टू कट गया हमारा, स्नेक टर्टल और बर्ड इन सब में सबसे अलग क्या है, मैमल है ना, सबसे अलग मैमल है, तो हमें पता चला कि डी मैमल है, तो नंबर टू पूरा अलग हो गया, गलत हो गया क्योंकि डी कभी भी और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अब ए बी सी हम चेक करते हैं। मैंने क्या बोला कि क्रोकोडाइल और बी जो है वो बहुत 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 सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो क्रोकोडाइल और बी क्या है, ऐसा क्या है क्रोकोडाइल और बी, उससे पहले अच्छा एक सेकेंड, ए हो गया हमारा, एक सेकेंड, बी हो गया हमारा मैमल, ठीक है, उसके बाद ए हो गया हमारा टर्टल, ठीक है, बी हो गया हमारा बर्ड, ठीक है, और सी हो गया हमारा स्नेक। ये आंसर है, आंसर है नंबर थ्री। चेक करते हैं, चलिए सबसे पहले मैंने क्या बोला कि डी पूरा अलग होगा तो मैमल होगा, तो बी तो कट गया हमारे पास, अब तीन ही ऑप्शन रह गया। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि बी और ए में, देखिए बी और ए किससे निकला है, रेप्टाइल से निकला है, रेप्टाइल पहले ए बन गया, उसके बाद रेप्टाइल पहले ए बन गया, उसके बाद रेप्टाइल फिर यहाँ पे आके फिर दो ग्रुप में डिवाइड हुआ। ठीक है ना, तो ये जो क्रोकोडाइल है और बी है इसमें देखिए कितना, ये देखिए यहाँ पे आके फिर अलग हुए, फिर यहाँ पे आके अलग हुए, तो इसकी वजह से जो क्रोकोडाइल है वो ज़्यादा सिमिलर किससे हो गया, क्रोकोडाइल ज़्यादा सिमिलर ए से है। देखिए यहाँ पे एक ही रूट था, ये रूट ए में डिवाइड हुआ, फिर ये रूट यहाँ आया, फिर ये वाला रूट यहाँ आके क्रोकोडाइल बन गया, लेकिन इस क्रोकोडाइल्स ये वाला रूट जो क्रोकोडाइल बना उसके बाद कितना ज़्यादा डिफरेंसेस आके फिर बी आया है, तो ए और क्रोकोडाइल ज़्यादा सेम होगा। ए और क्रोकोडाइल अगर सेम होगा तो इसमें से मैमल तो कट गया, ऐसा क्या है जो क्रोकोडाइल से ज़्यादा सिमिलर है, तो ना तो बर्ड क्रोकोडाइल से ज़्यादा सिमिलर है, ना तो स्नेक क्रोकोडाइल से ज़्यादा सिमिलर है। आप टर्टल को इमेजिन कीजिए, टर्टल क्या हो गया, टर्टल की तरह दिखता है, तो जो टर्टल है वो क्रोकोडाइल से ज़्यादा सिमिलर लग रहा है, इसलिए ए में टर्टल आएगा। अब देखिए इस कॉमन रूट से टर्टल बाहर चला गया, फिर एक रूट आया,
फिर ये वाला रूट ने क्रोकोडाइल बनाया, उसके बाद बहुत बहुत डिफरेंसेस के बाद ये आया। तो मतलब बी जो है और सी जो है, हमने सी क्या सोचा है, स्नेक। तो अब देखिए क्रोकोडाइल, बी और सी, इन तीनों में कौन सा ज़्यादा सिमिलर होगा एक दूसरे से। तो देखिए यहाँ पे एक रूट था, फिर ये बनाया, ये बनाया, ये रूट ही फिर यहाँ पे आ गया, फिर उसने सी तुरंत बना लिया। तो क्रोकोडाइल और सी में थोड़ा ज़्यादा सिमिलैरिटी होना चाहिए, इसलिए सी हमारा स्नेक है। लेकिन देखिए फिर इस रूट से फिर ये जो बना और ये जो बना, इस रूट से ये बना, फिर बहुत सारे रूट्स के बाद में ये बना, इसलिए बी होगा बर्ड। तो इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट से ज़्यादा मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसी तरह से हिट एंड ट्रायल कर करके फिर आप आंसर निकाल पाएंगे। जैसे 2020 में क्वेश्चन आया था, उसमें हमको वेल एंड क्या था, डॉल्फिन, देन डीर, देन और क्या था, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जिनको इस तरह से ग्रुप में हमको लाना था। वहाँ पे हमको ये सोचना, डॉग था एक, तो वहाँ पे हमको ये देखना था कि वेल और डॉल्फिन एक ग्रुप है, डीर और डॉग फिर अलग ग्रुप हो जाते हैं, डीर हो जाता है अलग, डॉग हो जाता है अलग कुछ कैरेक्टर्स पे। तो यहाँ पे बहुत सारा नॉलेज लगेगा, प्रैक्टिस लगेगा, तब आप इस टॉपिक को मास्टर कर सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आज मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताया है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि डेंड्रोग्राम, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सारे और छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा ऑलमोस्ट सब कवर हो गया, कौन से किताब से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे पहले, उसके बाद पाथफाइंडर का प्रैक्टिस बुक लेके आ सकते हैं, उससे हो पाएगा, उससे प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा आपका ये। नहीं तो इवोल्यूशन की कोई सी बुक जहाँ पे ज़्यादा इसके बारे में दिया हो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये सारा टॉपिक था पाथफाइंडर से, और आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, पहले पढ़िए अच्छे से, उसके बाद प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। चलिए हो गया इतना, अब आज के लिए इतना ही। अभी मैं 11 बजे फिर से एक क्लास लूँगी, उसमें हम 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, 5 आधा घंटा में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।